नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी राजनीति उथल पुथल के बीच जो खबर आई है यकीनन चौंका देने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वायरल ऑडियो को लेकर दरभंगा में सियासत तेज पहले से ही हो चुकी थी और इसको लेकर हमने कई कवरेज भी किया था। उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए फुजैल अहमद अंसारी से भी बात की थी और जिन पर ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे हम उनसे भी बात की थी राम नरेश यादव को। लेकिन अभी जो खबर आई है यकीनन आरजेडी बिहार ने उनको जिलाध्यक्ष पद से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरजेडी संस्थापक सदस्य फुजैल अहमद अंसारी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात रही कि जहां तक राम नरेश यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है तो ये लड़ाई हमारी जो है जिस दिन ऑडियो आया था राम नरेश यादव का पार्टी के विरुद्ध, उन्होंने एक प्रत्याशी विशेषकर वो भी ऐसे प्रत्याशी जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके बारे में अशब्द बात जो है बोला और उतना ही नहीं हराने का बात भी कहा गया और उन्होंने कद छोटा करने की बात कही सिद्दीकी साहब को और उतना ही नहीं सारे मुसलमानों को भी जो है केवाला तोड़ के फाड़ देने की बात की। ये चीज़ हमको दिल में बहुत चुभ गया और मैं कहा कि नहीं, ऐसा ज़मीर फरोश इंसान के साथ मैं कभी नहीं करूँगा, काम करूँगा। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको गति लाने के लिए अपना उपाध्यक्ष पद से जो है हमने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमने प्रदेश कार्यालय को सूचित किया और प्रदेश कार्यालय की प्रतिकॉपी लगा के हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेजा। लेकिन 15-20 दिनों 25 दिनों यानी आप लगभग हम समझते 1 महीना हो गया, यह पराकलन ठंडा पड़ गया था। तो हम अपने प्रयास से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से संपर्क स्थापित करके पत्र द्वारा लिखकर उनको सारी सूचना की जानकारी दिया और उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने प्रदेश कार्यालय और प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो कार्रवाई करने का जो है निर्देश दिया। तो आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिहार के आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने हमको एक प्रति व्हाट्सएप पर जो है निष्कासन का जो है चिट्ठी भेजा है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार फुजैल अहमद अंसारी के अनुशंसा पर 6 सालों के लिए राम नरेश जिला अध्यक्ष को पार्टी गतिविधि विरोधी कारण 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। लेकिन जिस वायरल ऑडियो पर सियासत हो रही थी, दरअसल इस विषय पे हमने राम नरेश यादव जिला अध्यक्ष जो आरजेडी के थे फिलहाल हमने उनसे बात किया था तो उन्होंने उस वायरल ऑडियो को सरासर फर्जी बताया था, क्या कहेंगे? देखिए, राम नरेश जी के साथ हम लोग बहुत दिनों से काम किए हैं। ये वायरल जो ऑडियो है वो तो उनका सही में ओरिजिनल है, समझे नहीं? वो उन्होंने जो कहा कि भाई बचने के लिए कि हाँ इसका जांच होना चाहिए और लॉयर से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हमने उसमें आपके चैनल ही पर बताया था कि फॉरेंसिक जाँच भी करवा लें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो वो सब बात नहीं थी, ओरिजिनल उनका था, उन्होंने गलती किया था और इसके लिए जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अदना कार्यकर्ता, अभी तो हम कहेंगे संस्थापक सदस्य तो हम हैं ही हैं लेकिन अभी तक पार्टी द्वारा या कभी भी हमको बहुत बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला इज्जत सम्मान हमको मिला उसी में हम संतुष्ट हैं, उसी में हम खुश हैं। और एक कार्यकर्ता को जो है उन्होंने आज यहाँ जो है पत्र का और हमारे इस्तीफा देने का जो संज्ञान लिया और 6 सालों के लिए जिलाध्यक्ष को जो है निष्कासित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी का और प्रतिपक्ष नेता जनाब तेजस्वी यादव जी का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों का तो आरोप प्रत्यारोप ये भी है कि आप उपाध्यक्ष पद पे थे, जिला अध्यक्ष पद पे आना चाहते थे, इस वजह से कुछ इस तरीके का रुख अपनाए, इच्छा जाहिर की? नहीं, देखिए सबका अलग अलग काम करने का ये होता है। जिला अध्यक्ष की बात जहाँ तक थी तो हमारे आदरणीय सिद्दीकी साहब वो बतावेंगे, उनसे भी कभी मौका मिलेगा तो पूछ लेगा। आज से 6-7 महीना 8 महीना पहले ही जब जिलाध्यक्ष नहीं बने थे उसके पहले ही सर्किट हाउस में मैंने कहा था कि भाई ऐसा है कि मांटी से जो है हम सोच रहे हैं बनाने का, तो उसमें बन जाइए आप। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी जो है वो हमसे नहीं संभल पाएगा और नहीं संभल पाएगा तो ये इसमें बहुत सारी जवाबदेही पार्टी की ओर से होती है और प्लस दरभंगा के सारे कार्यकर्ता, तो उतना हमारे पास समय समझिए पार्टी के लिए
डिवोटी होना चाहिए, तो उसी में बैठ के बात हुआ कि अगर हम नहीं बनते तो राम नरेश जी को जो है बनाया जाए, और सहमति से उसमें सहमति हमने भी दिया था उनको बनाने के लिए, चूँकि पुराने कार्यकर्ता थे और लगभग 14-15 साल से अध्यक्ष थे, तो उसमें हमारी भी सहमति थी और अध्यक्ष सिद्दीकी साहब की तो थी ही, और वो बने और बनने से हम लोग को कोई इतराज नहीं था, अच्छे अध्यक्ष थे। लेकिन उसका कार्यकलाप जब टिकट नहीं मिला, टिकट तो हमको भी नहीं मिला, तीन तीन दफ़ा नहीं मिला, तो हम कहाँ विरोध में चले गए पार्टी के। उनका इस दफ़ा का जो था कि हमको टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो पूरी पार्टी को जो है हम जाके डुबा देंगे, भसा देंगे, ये उनका रवैया ठीक नहीं था, उससे हम बहुत दुखी थे। और उसमें जो उन्होंने ऑडियो जो वायरल हुआ वो भी एक कड़ी है, तो इन्हीं सब बातों को देख के हमने मांग किया था कि इनको जो है अविलंब बर्खास्त किया जाए, तो बर्खास्त क्या कही है, निलंबित 6 साल के लिए किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थे आरजेडी के संस्थापक सदस्य फुजैल अहमद अंसारी, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से जो आरजेडी की तरफ से जो खबर आई है, जो लेटर लिखा गया है, उसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि 6 सालों के लिए जिला अध्यक्ष को राम नरेश यादव को निष्कासित कर दिया गया है। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की खबर हम आप तक पहुँचाने में सक्षम रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।